सहर्ष आप सभी को सूचित करना चाहेंगे, भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हार्दिक अभिनंदन महोदय। जैसा कि विदित है, आज का यह दिन भारत के विकास के प्रति एक अटूट दृढ़ संकल्प का प्रतीक है और भारत के लिए एक उज्जवल समृद्ध भविष्य की यात्रा की ओर आरंभ प्रतीक है। इस समृद्ध यात्रा में हमारे पथ प्रदर्शक भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता से विभूषित कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम इसी का प्रतिबिंब है। कार्यक्रम के आरंभ बिंदु को स्पर्श करते हुए मैं अनुरोध करूंगी माननीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि आप कृपा करके स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। श्री अश्विनी वैष्णव जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात एवं आसाम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्र एवं राज्य सरकारों में माननीय मंत्री महोदय, टाटा एवं सीजी पावर के अधिकारी, दोनों राज्यों के अधिकारी, ताइवान से जुड़े साथी और कॉलेजेस में जुड़े 30 लाख से अधिक यंग माइंड्स, एक साथ 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स के भूमि पूजन के इस ऐतिहासिक समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा पीरियड आता है जब उसके भविष्य की नींव रखी जाती है, जब उसके सपने पूरे होते हैं और जब उसे विश्व में नई पहचान मिलती है। और ऐसा तभी संभव होता है जब राष्ट्र का नेतृत्व विजनरी हो, डिसाइसिव हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो। आज राष्ट्र में ऐसा नेतृत्व है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, डिसाइसिव, विजनरी, फॉरवर्ड लुकिंग, कठिन से कठिन फैसले करने वाले और अपने जीवन का एक एक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, 1962 से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में स्थापित करने का प्रयास चल रहा था, आज सक्सेस मिली है और ये सक्सेस केवल और केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के क्लियर विजन और डिसाइसिव लीडरशिप के कारण मिली है। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। आने वाली कई जनरेशंस विकसित भारत के निर्माण में आज के दिन को याद करेंगी। आज एक साथ 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का भूमि पूजन है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स और हाल ही में हुए माइक्रोन प्रोजेक्ट, इन 4 को मिलाने से भारत में 4 बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार होंगे और भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित होगी। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। हर वो चीज जिसको ऑन या ऑफ किया जाता है उसमें सेमीकंडक्टर लगता है। चाहे घर में लाइट हो, फैन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, फैक्ट्री में लगने वाली मशीनें हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के मिशन में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि इन 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में से एक प्लांट भारत के नॉर्थ ईस्ट असम में आज लग रहा है। कितनी खुशी का वो दिन होगा जब अमेरिका में, यूरोप में, जापान में मेड इन असम, मेड इन गुजरात और मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप से बनने वाली कारें दौड़ेंगी, लैपटॉप बनेंगे, कंप्यूटर बनेंगे, मोबाइल फोन चलेंगे। आज के इन तीनों प्लांट और माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट में एक और खासियत है। डबल इंजन की सरकार में कैसे काम तेजी से होता है, ये चारों के चारों प्लांट इसका उदाहरण है। माइक्रोन के प्लांट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अमेरिका की स्टेट विजिट के दौरान जून 2023 में अप्रूवल किया। 90 दिन के अंदर अंदर
गुजरात सरकार ने जमीन दी, सारी की सारी परमिशंस दी और फैक्ट्री का काम चालू हुआ। वैसे ही मोदी जी अपना खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं। टाटा और सीजी पावर के प्लांट 29 फरवरी 2024 में अप्रूव हुए और 15 दिन के अंदर अंदर आज माननीय प्रधानमंत्री जी इन तीनों प्लांट्स का भूमि पूजन कर रहेंगे। ये विश्व में रिकॉर्ड है। ये संभव होता है तभी जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा डिसाइसिव लीडर एक देश में आते हैं। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आज हमारे साथ यंग और एनर्जेटिक 30 लाख से ज्यादा जो साथी वर्चुअली जुड़े हैं। आपसे मैं कहूंगा साथियों, नौजवान साथियों, आपके भविष्य का निर्माण करने वाली ये इंडस्ट्री है, आपके फ्यूचर को सेफ करने वाला ये फैसला है और ये फैसला केवल और केवल मोदी जी ले सकते हैं। इसलिए जब आप अपना निर्णय लें आने वाले कुछ दिनों में, तो याद रखना आपके भविष्य का ध्यान केवल और केवल मोदी जी रख सकते हैं। इस बात को आप अपने मन में रखना जब आने वाले कुछ दिनों में आप अपना देश का फैसला लेंगे। इस ऐतिहासिक समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी आपका और सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। निसंदेह आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ कर कमलों द्वारा होने वाला ये शिलान्यास आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा। अब मैं चेयरमैन सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड श्री विलायन सुबैया से संबोधन का अनुरोध करती हूं। श्री विलायन सुबैया। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Honorable Chief Ministers of Gujarat and Assam, Honorable Ministers Vaishnav ji and Chandrasekhar ji, colleagues, our partners and guests, Namaskaram. 75 years ago, my grandfather manufactured India's first bicycle. That was what the country needed at that time. Times have changed. Semiconductors are the new bicycle. These are the very basis of the modern manufacturing economy. They are critical to India's Atmanirbharta. Today is not just about laying the foundation stones of Tata's two plants and our plants, but the very foundation of India's emergence in the modern economy and an announcement of India's arrival on the global semiconductor stage. Why did we have to wait until now for this moment? What Bharat is now witnessing is as revolutionary as independence itself. We are seeing an awakening and a resurgence that India has never ever seen before. This government's ability to foresee what Bharat needs to be a world leader is absolutely unprecedented. Government and industry are collaborating effectively, leveraging each other. Maine socha, अगर चिप्स का है इंतजार तो सीजी है तैयार। Until now, Indians have helped other nations strengthen their leadership position in the world order. Brain drain. When I graduated from IIT, 140 students out of my class of 290 left for the US. This will no longer be the case. From now on, we will design for Bharat. We will make for Bharat. We will build Bharat. We are fortunate to have a very strong Japanese partner, Renesas. We asked Renesas who will be leading the initiative from their side. And they said Viresh Patel, who is here with us. मैंने बोला ये विरेश पटेल तो जापानीज थोड़ा है। बट दिस इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड टुडे। कंट्री और कंपनी, इंडियंस आर इन लीडिंग रोल्स एंड दैट्स समथिंग वी ऑट टू बी प्राउड ऑफ। वी आर एक्साइटेड टू सेट अप दिस इनिशिएटिव इन गुजरात। वी कम फ्रॉम तमिलनाडु
In Tamil Nadu, we have 79,000 temples. Gujarat has 50,000. It seems that both Tamils and Gujaratis are fond of going to temples. And that's basically because we all understand that there's something much bigger than ourselves. For me as well, yoga and meditation is important. In India, we understand that sadhana and bhakti actually help us become better leaders, help increase our intensity, our energy, our focus. So together, in the presence of Adi Yogi, we will create an intensely powerful semiconductor ecosystem that is built on the foundation of spirituality. I've written a few lines in lighter vein. Hum sab hain ek parivar, hamara dosa, aapki chaat. Desh ka vikas, semiconductors ke saath, tez raftar, CG ke haath. To Rising India, Jai Hind, Pranam. Indeed, it's a historic day of silver lining in the sky of growth and development of Bharat. और अब समय है चेयरमैन टाटा ग्रुप श्री नटराजन चंद्रशेखरन द्वारा संबोधन का. महोदय, आपसे विनती है, कृपा करके अपने विचार प्रस्तुत करें श्री नटराजन चंद्रशेखरन. Honorable Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग अस विथ योर प्रेजेंस ऑन दिस historic occasion. This event is possible because of your enduring vision to bring the semiconductor industry to the shores of our country. Thank you, sir. Bahut bahut dhanyawad. I am also privileged to welcome Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Chief Minister Shri Himanta Biswa Sarma ji, and Honorable Minister Shri Rajiv Chandrasekhar ji to this event. Dignitaries from Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology, India Semiconductor Mission, governments of both Gujarat and Assam, distinguished guests, ladies and gentlemen, and members of the media. I am thankful to all of you for your presence here in Dholera and Jagi Road, Assam, for the foundation stone laying ceremony of India's first semiconductor fab and the first indigenous semiconductor assembly and test facility. Today is indeed a very, very special day for India and for the Tata Group, with the foundation stone being laid simultaneously for our projects in Dholera and Jagi Road, one in the east and another in the west, 2,500 kilometers apart. These semiconductor manufacturing hubs will have a very lasting impact on the entire nation. The ecosystem from across the globe will mobilize to have India as their preferred semiconductor destination. For our fab, we are very excited to partner with Taiwan's Power Chip Semiconductor Manufacturing Corporation. The executives from PSMC are joining this meeting today on video. They have given us access to a very, very broad portfolio of technology. Our partner is a leading foundry company with very extensive manufacturing experience in running mega fabs. The semiconductor industry is innovation driven. It is another foundational industry, like steel was for, on steel is for physical infrastructure. Semiconductor is the foundational industry for everything digital. We look forward to closely partnering with the industry, academic institutions, and every ecosystem player to build semiconductor talent and infrastructure of tomorrow right here in India. We will be creating
more than 50,000 jobs in this journey, and this is just the beginning. Today, every major economy is looking for self-sufficiency in semiconductor supply chain. There are three fundamental reasons for this. First, the chip shortages during the pandemic made us all realize the importance of electronics and our dependency on the global supply chain. Second, with the cyber warfare becoming a commonplace, self-sufficiency in semiconductors is a must and a matter of national security. And finally, domestic semiconductor manufacturing ecosystem is a must-have to galvanize the indigenous product ecosystem of tomorrow. In the spirit of the Tata Group and its core value of pioneering, we will deploy our deep customer insights and develop innovative solutions with agility, boldness, and courage. From the very beginning, we have been fortunate to pioneer several businesses, and today our journey of building semiconductor chips has begun. Semiconductor chips have a defining role to play in every industry. Like Minister Vaishnav said, automotive, communications, advanced computing, AI, green tech, industrials, medical devices, defense, consumer electronics, you take every industry, semiconductor chips are very foundational in nature. For the first time, India will have capabilities to serve semiconductor demands of both domestic and global customers with the chips built in our factories in India. I would like to thank you for your trust in the Tata Group as we embark upon this historic journey of India's decade, chips for Viksit Bharat. Finally, in the words of our founder Jamshedji Tata, the community is at the heart of everything that we do. We will build world-class social infrastructure and thriving communities both in Dholera and in Jaggi Road in partnership with the Government of Gujarat and Government of Assam. Thank you again for this opportunity, and thank you, Prime Minister, for your leadership and vision and laying the foundation for a developed India. Thank you very much. धन्यवाद महोदय. वाकई में किसी महत्ता को समझना और फिर उस महत्ता को विकास से जोड़ना ही दूरदृष्टि है. पूरा भारतवर्ष देश के विकास एवं आत्मनिर्भरता को विभूषित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को अपार स्नेह की धरोहर से अलंकृत कर रहा है. आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ कर कमलों द्वारा शिलान्यास होने वाले सेमी कंडक्टर यूनिट्स में असम की ATMP यूनिट भी शामिल है. तो आइए जाने असम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय कितने आनंद की अनुभूति कर रहे हैं. मेरा सविनय निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री असम श्री हेमंता बिस्व शर्मा जी से कि आप इस शुभ घड़ी में अपने भाव व्यक्त करें. श्री हेमंता बिस्व शर्मा. भारत की परम आदरणीय प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री भारत सरकार की श्री अश्विनी वैष्णव जी, गुजरात के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन जी, सीजी पावर के चेयरमैन श्री सुबाया जी, आज हमारे साथ कनेक्ट हुए सारे अतिथिगण, मैं आसाम वासियों का ओर से आप सबको स्वागत करता हूं. प्रधानमंत्री जी, हम जब आसाम में GST का रिजोल्यूशन देश का सबसे पहले पारित किया था, मैं आज भी मेरा याद है आपने हम लोगों को बोला था कि A फॉर आसाम. आज यही आपका जो वाक्य था इसको ही आज हमने साकार होते देख रहा हूं. आसाम को लेके, नॉर्थ ईस्ट को लेके भारतवासियों का मन में एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल बैरियर था,
लोग जब कोई भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होते थे देश में, लोग कभी उत्तर पूर्व को कंसीडर ही नहीं करते थे कि नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ करना संभव है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपका निरंतर उत्तर पूर्व का भ्रमण, आपका असम वासियों और उत्तर पूर्व के लिए आपका अगाध प्रेम का कारण आज भारत का सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन का पहला दिन ही असम को शामिल होने का सौभाग्य मिला है। असम वासी और उत्तर पूर्व आपको हमेशा याद करेगा, एक देश का जो एक नेग्लेक्टेड रीजन था, एक नेग्लेक्टेड रीजन को आपने टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन का पहला शरण में लेके आया, ये हमारे लिए बहुत बहुत गौरव का बात है। मैं पूरा असम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा मन में कोई भाषा नहीं है, मेरा खाली आज मैं इतना ही बोल सकता हूं, मैं असम में ही जन्म लिया हूं, कभी मैं सोचा भी नहीं कि असम विल बी द अमंग द वन ऑफ द फास्ट स्टेट इन सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन। ये काम आपका नेतृत्व में संभव हुआ, असम वासी आपको कभी नहीं भूलेगा। असम का इतिहास में और असम का आने वाला पीढ़ी हमेशा आपको याद करेगा, आपका प्रेम का कारण, आपका महानता का कारण। और हमें भी, हम यही आपको आश्वासन देता हूं कि असम जो आपने असम का ऊपर ट्रस्ट रिपोर्ट किया है, कॉन्फिडेंस रिपोर्ट किया है, उसका माइल, उसका जो एक टेस्ट है, वो टेस्ट में हम खरा उतरने का पूरा कोशिश करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अश्विनी वैष्णव जी ने हमें मार्गदर्शन किया, कैसे शुरू करना है, कहां से क्या लाना है, सारे हमें पूरा ये समय उन्होंने मार्गदर्शन किया। मैं अश्विनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। टाटा सन्स का साथ असम का बहुत बड़ा संबंध है, ये आज से ये संबंध नहीं है, ये बहुत दिन पहले से ही हमारा ये संबंध है। और टाटा ने ही ये हिम्मत किया ज्योग्राफिकल बैरियर को तोड़ने के लिए। मैं चंद्रशेखरन जी और तमाम टाटा ग्रुप को धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप एकदम बहुत बढ़िया असम में इकोसिस्टम मिलेगा। और आपको, आपको कभी, आपने जो ये सिद्धांत लिया, इसका कारण आप कभी रिग्रेट नहीं करेगा, आपको खुशी होगा, आपको अच्छा लगेगा कि यू हैव चूजन ए करेक्ट डेस्टिनेशन एंड चूजिंग नॉर्थ ईस्ट यू हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस ग्रेट रीजन एंड ग्रेट नेशन। प्रधानमंत्री जी, हमारा सामने लाखों लोग मौजूद है, सब आपको दोबारा अभिवादन करते हैं। और असम का इतिहास हमेशा एक आपको युग पुरुष का नाते आपको हमेशा याद करेगा। मेरा कोई भाषा नहीं है, मैं खाली आपको धन्यवाद देता हूं दिल से, असम वासियों का दिल से। भगवान आपको लंबी आयु दे और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, आपका मार्गदर्शन में, आपका हाथ में ही भारत माँ विश्व गुरु बने, यही मेरा कामना है, यही मेरा, यही हम लोग का आशा है। और हमेशा आप ऐसे ही उत्तर पूर्व को आशीर्वाद देते रहे, असम को आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इस शुभ बेला के उत्साह की तरंगे चहु और आभास की जा सकती है। और पूरे देश को इस गौरव की अनुभूति देने हेतु एक बार पुनः मैं शिल्पा भावना करबद्ध रूप में प्रणाम करना चाहूंगी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। विकास की इस अविरल बेला में गुजरात के धौलेरा में सेमीकंडक्टर फैब विद 50,000 WSPM कैपेसिटी एवं सानंद में सेमीकंडक्टर APMP
यूनिट फॉर स्पेशलाइज्ड चिप्स का शिलान्यास अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। तो गुजरात की ये धरती इस आरंभवर्ती क्षण को किस प्रकार संजोए है, आइए जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के शब्दों में। माननीय, आपसे अनुरोध है कि कृपा करके उपस्थित गणों को संबोधित करें। श्री भूपेंद्र भाई पटेल। भारत के सर्वप्रथम सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट के भूमि पूजन समारोह में हमारे बीच वर्चुअल माध्यम से उपस्थित वैश्विक नेता, विकास पुरुष, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, आसाम के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा जी, हमारे साथ मंच पर भी उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव, डॉक्टर महेंद्र भाई मुजपरा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखर जी, सीजी पावर के चेयरमैन श्री बेलिया सुबैया जी, सीईओ श्री डॉक्टर रणधीर ठाकुर, उपस्थित सभी महानुभाव, सभी वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी साथी मंत्रीगण, सभी धारा सभ्य श्री और वाला प्यारे स्टूडेंट, इंडिया टेकेड चीफ फॉर विकसित भारत के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी गुजरात को भारत का सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का इस विशेष उपहार के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब इस बात के साक्षी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई की विजनरी लीडरशिप में भारतीय उद्योग हर दिन नई ऊंचाई हासिल कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत उनके प्रयासों से आज हम ऐसे कई कार्यों को संभव होते हुए देख रहे हैं जो कभी हम मुश्किल लगा करते थे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर भी उन्हीं सेक्टर में से एक है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि समस्या और संभावना में सिर्फ सोच का ही फर्क है और समस्या को संभावनाओं में बदलना ही मोदी जी की गारंटी है। भारत में टेक्नोलॉजी का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक ऐसे कई सेक्टर्स में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डे टू डे लाइफ में शामिल हो गए हैं। इन सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मूल में सेमीकंडक्टर चिप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही है और विश्व को रिलायबल चिप सप्लाई चेन की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गुजरात को भारत का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात का जो विजन दिया है उसे साकार करने के लिए गुजरात प्रतिबद्ध है। गुजरात के पास प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को जमीन पर उतारने की अपार क्षमता है। सेमीकंडक्टर जैसे उभरते सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गुजरात देश का पहला राज्य है जिसे डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई है। हमारी सेमीकंडक्टर पॉलिसी की खास बात यह है कि भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अपने आप ही गुजरात में अप्रूवल मिल जाती है। धौलेरा में विकसित हो रहा सेमीकॉन सिटी भी भारत में एकमात्र डेस्टिनेशन है जहां सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़ी सभी जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। विश्व की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां गुजरात की इन्हीं फैसिलिटीज के आकर्षित भी हो रहे हैं। माइक्रोन कंपनी के बाद गुजरात में सेमीकंडक्टर से जुड़े दो प्लांट की आधारशिला रखी जा रही है। ये हम सभी के लिए गौरव के क्षण है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मिलने वाली
सभी निवेश अवसरों का लाभ लेने के लिए हमने एक नोडल एजेंसी गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मिशन को ऑपरेशनल किया है। आज धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और सानंद जीआईडीसी में सीजी पावर अपने यूनिट स्थापित करने जा रहे हैं। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी, जनवरी 2024 में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में श्री एन चंद्रशेखर जी ने घोषणा की थी कि टाटा ग्रुप धोलेरा में एक विशाल सेमीकंडक्टर फैब यूनिट स्थापित करेगा और ठीक 2 महीने के बाद हम सभी इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। इतने ही कम समय में इस यूनिट की स्थापना का काम शुरू हो जाना यह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की उपलब्धि का जीता जागता उदाहरण है। इन दोनों यूनिट की स्थापना से लगभग 50,000 से अधिक रोजगारी के अवसर खुलेंगे। गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग होने वाले इस सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग न केवल भारत में मौजूद इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम, ऑटोमोटिव, डिस्प्ले और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में होगा, बल्कि साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन का भी हम हिस्सा बनेंगे। ये यूनिट हमारे देश में चिप फैब्रिकेशन में अपनी क्षमता को विकसित करेंगे और भारत को विश्व स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई चेन में शामिल भी करेंगे। धौलेरा में उपलब्ध ये इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज सेमीकंडक्टर जैसे ग्लोबल डिमांड वाले सेक्टर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा अहमदाबाद और धौलेरा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस हाईवे, रीजनल रेल और धौलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेमीकंडक्टर सेक्टर से पूरे इकोसिस्टम को जरूरी लॉजिस्टिक उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। इनके इस विचार को वास्तविक रूप देने के दिशा में भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरेगा और गुजरात इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर स्टेट बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद महोदय। भारत में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को शक्ति देने हेतु अब समय है माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के कस्तूरी करों द्वारा तीनों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज के शिलान्यास का। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप कृपा करके रिमोट के बटन के माध्यम से तीनों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज का शिलान्यास कर अनुग्रहित करें। धौलेरा गुजरात की TEPM फैब फैसिलिटी का शिलान्यास भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है और अब हो रहा है मोरेगांव असम की TEPL OSET फैसिलिटी का शिलान्यास। आरंभ के इस चंदन पर संपूर्ण राष्ट्र की शुभेच्छा। और अब सानंद गुजरात के CG पावर OSET फैसिलिटी के शिलान्यास के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। इति शुभम। अब प्रस्तुत है इन परियोजनाओं पर बनी लघु चलचित्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में भारत आज जिस स्केल और स्पीड पर काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। इसकी शानदार मिसाल है हमारा अपना सेमीकंडक्टर फैब, जिसका सपना देश ने देखा था 1962 में, यानी 62 साल पहले। बीते 6 दशकों में कुछ कोशिशें हुई, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण देश का ये सपना कभी साकार नहीं हो सका। वक्त ने करवट तब ली जब देश ने जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी सौंपी विकसित भारत के निर्माण की। करोड़ों देशवासियों की आकांक्षाओं के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक धर्रे पर चल रहे देश का गियर बदला तो भारतीय सेमीकंडक्टर फैब का सपना साकार हो उठा। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। भारत आज अपने टेक फ्यूचर को जिस स्पीड के साथ आकार दे रहा है उसका एक और उदाहरण है माइक्रोन।
जून 2023 में जिसकी घोषणा होने के 90 दिन के भीतर ही गुजरात के सानंद में प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था और अब इस साल दिसंबर तक पहली चिप का निर्माण होने की संभावना है। अपने इन चारों मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ भारत ने चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 में अपनी अहम भागीदारी तो सुनिश्चित कर ही ली है, लेकिन साथ ही चिप मेकिंग के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर भी बनने जा रहा है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। आज 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई बुलंदी मिल रही है। सरकार इन प्रोजेक्ट्स को 50% की बड़ी आर्थिक सहायता देगी। गुजरात के धोलेरा में हर महीने 50,000 वेफर्स बनाने वाला सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट, असम के मोरीगांव में हर दिन 48 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसेट प्रोजेक्ट और गुजरात के सानंद में हर दिन 15 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसेट प्रोजेक्ट। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के साथ सरकार 1,26,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की एक सुदृढ़ आधारशिला रख रही है। अमृत काल में भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर की विकास यात्रा तेज गति से जारी रहेगी और भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनकर उभरेगा। वाकई आज के इस अभूतपूर्व शिलान्यास में माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पूरब और पश्चिम छोर को मिलाकर आज एक ऐसे भविष्य की नींव रखी है जिस पर विकसित भारत पल्लवित होगा और इस उपवन के उद्यानपाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के स्वागत का जय घोष करते हुए मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी, राजीव चंद्रशेखर जी, असम और गुजरात के मुख्यमंत्री, टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन, सीजी पावर के चेयरमैन बेलायन सुभैया जी, केंद्र राज्य एवं इंडस्ट्री से जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1,25,000 करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। गुजरात के धोलेरा और सानंद में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, असम के मोरीगांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। मैं सभी देशवासियों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए
ये महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए, एक मजबूत कदम के लिए इस आयोजन को लेकर के बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं। मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्साहित हूं। साथियों, इस अभूतपूर्व अवसर पर हमारे साथ देश के 60,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। मैंने मंत्रालय से विशेष आग्रह किया था कि आज का एक कार्यक्रम देश के नौजवानों के सपनों का कार्यक्रम है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं को जोड़ना चाहिए। आज का आयोजन भले ही सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत का हो, लेकिन भविष्य के भारत के असली स्टेक होल्डर्स अगर कोई है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवा, मेरे नौजवान, मेरे स्टूडेंट्स, यही मेरी भारत की शक्ति है। इसलिए मेरी इच्छा थी कि भारत के छात्र इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी जरूर बने। आज वो देख रहे हैं कि भारत किस तरह प्रगति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए चौतरफा काम कर रहा है। इन प्रयासों से उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास से भरा युवा कहीं भी हो, वो अपने देश का भाग्य बदल देता है। मैं इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से शामिल प्रत्येक छात्र का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था, लेकिन अब भारत इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के नेतृत्व के इरादे से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक पल भी गंवाना नहीं चाहते और हम इस दिशा में कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, आज का ये कार्यक्रम इसका भी एक उदाहरण है। हमने 2 साल पहले
सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करते हुए इनिशिएटिव लेने की घोषणा की। इसके कुछ ही महीनों में हमारे पहले एमओयू साइन हो गए और आज सिर्फ कुछ महीनों के भीतर हम 3 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर रहे हैं। इंडिया कमिट्स, इंडिया डिलीवर्स एंड डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, दुनिया के बस कुछ देश ही आज सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि दुनिया को एक रिलायबल और रेजिलियंट सपोर्ट सप्लाई चेन की सख्त जरूरत है। भारत इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। भारत पहले ही एक स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल पावर है। आने वाले समय में हम सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत इसमें भी एक ग्लोबल पावर बनेगा। भारत अभी जो फैसले ले रहा है, जो नीतियां बना रहा है, उसका भी हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है, हमने कानूनों को आसान किया है। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म किए हैं। भारत में निवेशकों के लिए FDI के नियम भी आसान हुए हैं। डिफेंस, इंश्योरेंस और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में FDI पॉलिसी को और लिबरल किया गया है। हाल के वर्षों में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग से उसमें भी अपनी पोजीशन को और मजबूत किया है। लार्ज के स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और IT हार्डवेयर के लिए PLI स्कीम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए स्कीम्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हो, इन सभी में भारत ने इंसेंटिव्स देकर इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को तरक्की के नए अवसर दिए हैं। आज भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। कुछ समय पहले हमने नेशनल क्वांटम मिशन की भी शुरुआत की है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। इंडिया AI मिशन का भी तेजी से विस्तार होने जा रहा है। यानी हम सिर्फ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के रास्ते पर भी बढ़ रहे हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो वो हमारे भारत के युवा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री
कम्युनिकेशन से ट्रांसपोर्टेशन तक कई सेक्टर्स जुड़े होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी इस इंडस्ट्री से कई बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। यानी चीप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री मात्र नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से ना सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनते वाले हैं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर चिप के पीछे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीछे का जो दिमाग है, वो दिमाग अधिकांश भारत के युवा का ही है। इसलिए आज जब भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो हम टैलेंट इकोसिस्टम की इस साइकिल को एक प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं। आज अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए युवा ये जानते हैं कि कैसे आज देश में उनके लिए नई नई संभावनाएं बन रही है, नए अवसर बन रहे हैं। स्पेस का सेक्टर हो, मैपिंग का सेक्टर हो, भारत ने अपने युवाओं के लिए इन सेक्टर्स को पूरी तरह खोल दिया है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो इंसेंटिव दिए हैं, जो प्रोत्साहन दिया है, वो अभूतपूर्व है। और इसी का कमाल है कि इतने कम वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब आज के इस आयोजन के बाद सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी हमारे स्टार्टअप के लिए नए मौके बनने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि नई शुरुआत हमारी युवा पीढ़ी को एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब से जुड़ने की नई अपॉर्चुनिटी देगी। साथियों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। जब हम इस भावना के साथ नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, तो नतीजे भी मिलते हैं। भारत अब पुरानी सोच और पुरानी अप्रोच ये छोड़ चुका है, बहुत आगे निकल गया है। भारत अब तेज गति से निर्णय ले रहा है, नीतियां बना रहा है। हम पहले ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कई दशक खो चुके हैं, लेकिन अब हमें एक पल भी गंवाना नहीं है और अब ऐसा नहीं होगा। भारत ने सबसे पहले 60 के दशक में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का सपना देखा था, इस बारे में सोचा था, लेकिन इस सपने के बाद भी, इस सोच के बाद भी तब की सरकारें उन अवसरों का लाभ नहीं ले पाई। इसके सबसे बड़े कारण थे इच्छा शक्ति की कमी, अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलने के लिए प्रयास की कमी।
और देश के लिए दूरगामी फैसले लेने की क्षमता की कमी। इस वजह से वर्षों तक भारत का सेमीकंडक्टर बनाने का सपना बस सपना ही रह गया। उन दशकों में जो लोग सरकार में रहे वो भी सोचते थे कि अरे जल्दी क्या है, समय आएगा तब हो जाएगा। सरकारों को लगता था कि ये तो भविष्य की जरूरत है, इसका समाधान अभी क्यों करना। वो लोग देश की प्रायोरिटीज को भी बैलेंस नहीं कर पाए, देश के सामर्थ्य को भी समझ नहीं पाए। उन लोगों को लगा कि भारत तो गरीब देश है, भारत सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग जैसी हाईटेक चीज को कैसे मैनेज कर पाएगा। वो लोग भारत की गरीबी की आड़ में आधुनिक जरूरत के ऐसे हर इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज करते रहे। वो हजारों करोड़ के घोटाले कर लेते थे लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ऐसी सोच के साथ किसी देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सरकार फॉरवर्ड लुकिंग सोच और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। आज हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उन एम्बिशंस के साथ बढ़ रहे हैं जो विकसित देशों के साथ कॉम्पीट कर सके। हमारे देश की सारी प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा है। एक तरफ हम गरीबों के पक्के घर बनवा रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। एक तरफ हम विश्व का सबसे बड़ा सैनिटेशन मूवमेंट चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर भी आगे बढ़ रहा है। हम एक तरफ देश में तेजी से गरीबी कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही अब तक 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर चुका है। कल ही हमने पोखरण में 21वीं सदी के भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की झांकी देखी। वो दिन पहले ही भारत ने दो दिन पहले ही भारत ने अग्नि 5 के रूप में भारत को दुनिया के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होते देखा। दो दिन पहले ही देश की खेती में ड्रोन क्रांति की शुरुआत हुई। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत हजारों ड्रोन महिलाओं को सौंपे गए। गगनयान को लेकर भी भारत की तैयारी और तेज हुई तेजी आई है। हाल में ही देश ने को अपना पहला मेड इन इंडिया फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर मिला है। ये सारे प्रयास, ये सारे प्रोजेक्ट्स भारत को विकसित होने के लक्ष्य के और निकट ले जा रहे, तेज गति से ले जा रहे। और निश्चित तौर पर आज के इन तीन प्रोजेक्ट की भी इसमें बड़ी भूमिका होगी। और साथियों, आप जानते हैं आज चारों तरफ एआई की भी उतनी ही चर्चा है। भारत की टैलेंट आज एआई की दुनिया में उसका बहुत बड़ा दबदबा है। आपने देखा होगा पिछले एक दो सप्ताह से मेरे जितने भी भाषण होते हैं, कुछ युवा नौजवान मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब हम आपकी एक एक बात हर भाषा में गांव गांव पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने एआई टूल का उपयोग किया,
और आज मेरा हर भाषण आप अपनी अपनी भाषा में कुछ ही समय के बाद सुनना शुरू कर दोगे। यानी किसी को तमिल सुनना है, किसी को पंजाबी सुनना है, किसी को बंगाली सुनना है, किसी को असमिया उड़िया जो भी सुनना है, ये एआई का कमाल ये मेरे देश के नौजवान कर रहे हैं। और मैं तो ऐसी नौजवान टीम का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे लिए इतना बढ़िया एआई के जनरेटेड मेरी स्पीचेस को, मेरे भाषणों को हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन के साथ पहुंचाने का जो प्रयास किया है, मेरे लिए बड़ा आनंद का, खुशी का विषय बना है। और देखते ही देखते सभी यूएन लैंग्वेजेस में भी हमारी बात एआई के माध्यम से पहुंचेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के नौजवानों का जो सामर्थ्य है उनको अवसर चाहिए, और इस सेमीकंडक्टर का हमारा इनिशिएटिव देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं हेमंता जी की इस बात से बहुत सहमत हूं कि नॉर्थ ईस्ट में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। हमने ये तय किया है, और मैं तो मानता हूं साउथ ईस्ट एशिया से के साथ हमारा जो जुड़ाव बढ़ रहा है, तो मेरा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा ताकतवर क्षेत्र बनने वाला है। मैं साफ साफ इसको देख रहा हूं, और मैं इसकी शुरुआत देख रहा हूं। तो मैं आसाम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आज सबसे ज्यादा शुभकामनाएं देता हूं, सबसे ज्यादा बधाई देता हूं। साथियों, आप सब ऐसे ही भारत की प्रगति को एक नई शक्ति देने के लिए जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मोदी की गारंटी आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है, आपको साथ देने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।